दोस्तों पहली बरसात में ही यहाँ के जो वायर्स हैं, ट्रेन का जो भी निर्माण किया गया था सीतापुर से लखीमपुर का ट्रैक जो बनाया गया है, जिससे पहले भी हमने कई बार इस पुल को दिखाया है जब यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, उससे पहले भी हमने यहाँ पर कई वीडियोस बनाई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्य किया गया था, यहाँ पर वायर जो है दिखाई पड़ रहा है। इतनी तेज़ बरसात हुई कि यहाँ की जो मिट्टी है जिससे इसको ढका गया था, जो ट्रैक के साइड में डाला गया था ट्रेन स्टेशन टू स्टेशन को जोड़ने के लिए जो भी इनका कार्य हो, तो यहाँ का जो वायर है ये खुल गया है और पूरी तरह से देख सकते हैं वायर जो है। अब ऊपर से चलते हैं, यहाँ पर सीन दिखाते हैं पानी का लेवल क्या है यहाँ का और किस प्रकार से यहाँ का जो पानी वानी है भरा है पहली बरसात में। 6 जुलाई 2019 का है सीन और इस साइड में देख सकते हैं जो पानी भरा हुआ है, वायर दिखाई पड़ रहा होगा। तो अभी हम नीचे थे, अब आ गए हैं ऊपर, ट्रैक पर चलते हैं, ट्रैक से सीन दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और इस टाइप यहाँ का लुक जो है दिखाई पड़ता है। और आगे का सीन देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है, इस पुल का नाम लिखा है और ये ट्रैक कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ट्रैक बनाया गया है यहाँ का, लेकिन जो पाइपलाइन डाली गई थी जिसमें वायर था वो खुल गया है यहाँ का। मिट्टी को अच्छे से ढकना चाहिए था जैसे कि ना दिखे। अब इसको कोई काट भी सकता है इस वायर को, तो नुकसान हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको अच्छे से ढक देना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि आगे ये जा सके और अधिकारी लोग इसको देख सकें। और पुल के साइड में एक सरायन नाला था जिसे हम सरायन नदी कहते थे, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पूरा फुल हो गया है। इससे पहले भी हमने यहाँ का इस जो सराय नदी है नाला है इसका भी हमने एक वीडियो बनाया था जलेबी तोड़ते हुए पार करते हुए, तो देख सकते थे उस वीडियो में कि कितनी गहराई है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, नीचे से सीन दिखाते हैं इस साइड का कि अब इस नदी के साइड से व्यू किस प्रकार से दिखाई पड़ता है और पानी का लेवल जो है क्या है। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रेन से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है या ट्रैक से संबंधित वो हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है और व्लॉग के माध्यम से बनाई जाती हैं। और इस साइड से देख सकते हैं जो लेवल है पानी का बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पुल के पास में जाकर भी सीन अभी दिखाएंगे आप लोगों को और किस प्रकार से वो जो लुक है वहाँ का पानी का स्तर और जो भी चीज़ें बनाई गई थी वो दिखाएंगे। यहाँ पर ये पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर हमने जलेबियाँ तोड़ी थी और यहाँ का सीन बनाया है, अगर वीडियो नहीं देखी तो उसे देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे का सीन वहाँ का दिखाते हैं पुल के पास का, देख सकते हैं यहाँ पास पड़ोस में पानी जो है पुल के पास में एकदम आ गया है और यहाँ का लेवल जो है उस साइड से इस साइड का ऊंचा है, फिर भी पानी का स्तर यहाँ पर बढ़ गया है। पहली बरसात में ही इतना ज़्यादा पानी गिरा कि जो पुल के साइड में इंटर कर गया और कल तो बहुत ही ज़्यादा था। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 जुलाई 2019 को, तो यहाँ पर संडे था तो हमने सोचा कि चलते हैं देखते हैं पानी का स्तर क्या है। वैसे तो कल ही सोच रहे थे शाम को बनाने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि चलो हम कल देखते हैं। और कल पानी का स्तर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर था, लोग बता रहे थे कि यहाँ पर लगभग 1.5 फीट पानी जो है पुल के नीचे भरा हुआ था। इस साइड यहाँ पर ये जो है स्तर है देख सकते हैं, पेड़ पौधे काफ़ी ऊँचाई पर हैं तब भी ये डूब गए इधर हैं और लगभग यहाँ पर 1 फीट की ऊँचाई पर पानी अभी भी है। और इस साइड से लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है। अब पुल तो बहुत ही अच्छा बना है, अट्रैक्टिव, हमने कई बार बताया, इसको दिखाया भी था जो फाइनल ये कंप्लीट हुआ था तब भी हमने बताया था फाइनली कंप्लीटेड अ ट्रेन पुल इन नेपालापुर का सीन जो ये है बहुत ही अच्छा था इस साइड का। और यहाँ पर जो नदी है तो ये बहुत दूर से पानी कलेक्ट करके लाती है। अब हम सीन दिखाएंगे ट्रेन के ऊपर से और ट्रेन के जो पुल बना है यहाँ पर उसके मध्य में खड़े होकर यहाँ से सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। देख सकते हैं नीचे जो पानी भरा हुआ है लगभग 1 फीट पानी है और वो जो नली नदी है वहाँ से इस तरफ देख सकते हैं पानी इंटर कर रहा है और पीछे से जो पानी भी आता है वो भी इधर की तरफ जाता है, इसलिए ये पुल का बनाया गया है कि पानी उस साइड का इस साइड भी इस नदी में आसानी से पहुँच सके। ये जो ट्रैक देख सकते हैं इस साइड में जा रहा है लखीमपुर की तरफ और ये लखीमपुर का रूट है और इस साइड में जिस साइड में चल रहे हैं ये सीतापुर से लखीमपुर की तरफ जा रहा है इधर से।
यहाँ पर ये पत्थर डाला गया है, पत्थर इसलिए क्योंकि ये जो पानी है का बहाव है इस पुल को काट ना सके। अब पत्थर को देख सकते हैं किस किस प्रकार से सेट किया गया है, और एक बच्चा बीच से साइकिल निकाल रहा है। यहाँ पर ये बच्चा देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, और बहुत ही पहली बरसात का पानी तो गंदा बहुत ज़्यादा है पानी। और इस साइड का लुक और सीन देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। लेकिन ये पानी का भी सीन देखिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है कि नदी जो है यहाँ पर किस प्रकार से आके सी के रूप में एकदम मुड़ी हुई है, सी बनी हुई है। और पत्थर देख सकते हैं पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया गया था। अभी नीचे से थोड़ा सा लुक और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का, जिस साइड से पानी यहाँ पर इंटर कर रहा है कि नदी में जाएगा मिलने के लिए। यहाँ पर इतनी तेज पानी गिरा था कि सो नीचे की मिट्टी भी कट गई थी। और ये जो पुल है इस साइड से दिखा तो वो साइड में मीटर दिखाया गया है, कितना लेवल जिस हिसाब से पानी यहाँ पर भरता जाएगा तो मीटर वो नापेगा कितने मीटर का यहाँ पर जल स्तर चल रहा है। इस साइड में देख रहे होंगे कि इधर कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर जाली वाली लगाए हैं, पानी को यहाँ पर उधर से फेंक रहे हैं और उस साइड में गिरता है, फिर आगे जाली बच्चे लगाए हुए हैं, मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पर। कि कल जो पानी का स्तर था यहाँ पर पूरा भरा हुआ था 2-3 फीट, और आज जो जल स्तर है तेज़ी से बहाव ले रहा है, तो पानी को खींच कर आगे नदी के द्वारा बहाया गया है। अब ये कुछ यहाँ पर एक पुल पड़ा है पुराने पुल का, और यहाँ अब ये पानी जो है पहली बरसात है, अगली बरसात जब होगी तो पानी का स्तर यहाँ बढ़ेगा, तो ये पुल का जो पुराने पुल का पड़ा है यहाँ पर तो वो डूब जाएगा, इससे जंग वंग लग जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी इसे उठाया नहीं गया है, तो अभी भी वैसे पड़ा है, और बाकी सामान सब उठा ले गए यहाँ के हैं। तो पुराना सीन यही था यहाँ का, और हमने सोचा था इस वीडियो को बनाएं आप लोगों तक दिखाएं, सारी जानकारी दे दें इसके बारे में।